और यहाँ पर मैं ई प्रेस करूंगा इसको एक्सक्लूड करने के लिए, और आपने मेक श्योर करना है, उसके बाद मैं राइट क्लिक कर देता हूँ, आपने मेक श्योर करना है कि आप वर्टेक्स सिलेक्शन में हो, अदरवाइज आप वन भी प्रेस कर सकते हैं वर्टेक्स सिलेक्शन में आने के लिए। एस टू स्केल, और मैं जीरो प्रेस करता हूँ उसको स्केल करने के लिए। ओके जी, उसके बाद कंट्रोल आर से यहाँ पर हम एक लूप कट कर लेते हैं, एस टू स्केल, इसे मैं स्केल कर लेता हूँ थोड़ा सा, अगेन कंट्रोल आर, एस टू स्केल, ओके कंट्रोल आर एंड कंट्रोल आर एस टू स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है कि तीन प्रेस करना है फेस सिलेक्शन के लिए, और आपने नंबर पैड पे तीन प्रेस करना है साइड व्यू के लिए, और यहाँ पर आपने कुछ फेसेस को सेलेक्ट कर लेना है शिफ्ट प्रेस करके। ओके जी, ये फेस सेलेक्ट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है कि डिलीट प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर डिलीट फेसेस, इन फेसेस को आपने डिलीट कर देना है। टू फॉर एज सिलेक्शन, यहाँ पर आपने इन एजेस को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर इन्हें सेलेक्ट करते जाना है। ओके जी, उसके बाद हमने यहाँ पर इन एजेस को सेलेक्ट करने के बाद इन्हें स्केल करना है। उससे पहले आप क्या करेंगे, टॉर्क की प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंडिविजुअल ओरिजिन पर क्लिक कर देंगे। अब आपने एस प्रेस करके इनको स्केल कर लेना है और यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है। ओके जी, सेम इतना आपने यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन एजेस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एस प्रेस करना है इनको स्केल करने के लिए, और यहाँ पर इनको भी आपने स्केल करके फ्लैट कर लेना है। ओके, एल फॉर सिलेक्शन एंड ई टू एक्सट्रूड, उसे आपने थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना। ओके जी, हमारा बेसिक व्हील रेडी है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि आर्ट प्रेस करके आपने इन एजेस को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट एंड शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट, शिफ्ट आर्ट। ओके जी, उसके बाद आपने एस प्रेस करना है इसको स्केल करने के लिए, एंड शिफ्ट एक्स, अगर आपने एक्स एक्सिस की लॉन्ग स्केल नहीं करना तो। ओके जी, ये शेप हमें ठीक लग रही है। उसके बाद इसको मैं कलर कर लेता हूँ, कलर करने के लिए मैं जाऊँगा शेडिंग में, टैब प्रेस करूंगा, और यहाँ पर मैं मटेरियल है हमारे पास जिसके साथ मैंने एक कलर पैलेट को कनेक्ट किया हुआ है इसके बेस कलर के साथ, आप एक कलर पैलेट यूज कर सकते हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है कि आपने कलर पैलेट को कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको यूज कैसे करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो उसके बाद मैं आ जाऊंगा यूवी एडिटिंग में, और यहाँ पर मैं टेक्सचर अप्लाई कर देता हूँ। ओके जी, मैं ए प्रेस करता हूँ अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और पैलेट में आने के बाद मैं ए प्रेस करूंगा, और यहाँ पर एक डॉट हमें शो हो रहा है, तो आपने क्या करना है, जी प्रेस करना है इसको ग्रैब करने के लिए, और यहाँ पर आप कोई भी कलर दे सकते हैं, इसको मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, जी टू ग्रैब, और यहाँ पर कलर मैं दे देता हूँ कुछ इस तरह का, आई थिंक ये कलर मल्टी ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि कंट्रोल और लुक कट के लिए, थ्री फॉर फेस सिलेक्शन, इस फेस को आपने सेलेक्ट करना है, ई टू एक्सट्रूड, ओके जी, कंट्रोल प्लस जी टू ग्रैब, कलर यहाँ पर कर देते हैं व्हाइट। उसके बाद कंट्रोल और यहाँ पर एक और लुक कट चाहिए हमें, थ्री फॉर फेस सिलेक्शन, ऑल्ट प्रेस करके आपने इन फेसेस को सेलेक्ट करना है, ई टू एक्सट्रूड, कंट्रोल प्लस नंबर पैर पर अगर आपने अपनी सिलेक्शन को ग्रो करना है। यहाँ पर मैं स्क्रीन कास्ट चीज को दोबारा इनेबल कर देता हूँ। ओके जी, जी टू ग्रैब, और कलर हम दोबारा यहाँ पर कर देते हैं ब्राउन। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन फेसेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैं यहाँ पर ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट और प्लस नंबर पैड में प्रेस करूंगा, ये ऑटोमेटिकली अपनी सिलेक्शन जो है हमारी उसको सेलेक्ट करता जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, ये जिस पैटर्न से हमने चीजों को सिलेक्ट किया हुआ होता है उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए खुद ब खुद ही सिलेक्ट करता जाएगा। ओके जी, उसके बाद ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, इनको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देते हैं, आई थिंक यहाँ पर ठीक है, अगेन ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स। ओके जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर ऑल्ट प्रेस करके इस एज लुक को सेलेक्ट करना है, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट एंड शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, शिफ्ट ऑल्ट, कंट्रोल सी,
shift alt. अच्छा, ये कोई सिलेक्शन टेक्निक है प्रिंटर में जिसको आप यूज करते हो इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स को और फेसेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस पर भी ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि तो अपने टेक्निक्स को कैसे यूज करना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, इसके बाद मैं एस प्रेस करता हूँ इसको स्केल करने के लिए, और यहाँ पर इसे हम थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। अगेन एस टू स्केल, ओके आई थिंक ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन फेसेस को सिलेक्ट करना, उसके बाद शिफ्ट और कंट्रोल एंड प्लस प्रेस करते जाना है अपने, ये खुद ब खुद ही सिलेक्ट कर लेगा बाकी फेसेस को। पहले दो फेसेस को आपने सिलेक्ट करना होता है ये बताने के लिए कि आपने कौन सा पैटर्न यूज करना है, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस आपने प्रेस करते जाना है और ये खुद ब खुद ही चीजों को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, इसे सब डिवाइड कर लेते हैं। अगेन राइट क्लिक एंड सब डिवाइड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इन चार फेसेस को सिलेक्ट करते जाना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने सेम इसी तरह यहाँ पर इन चार फेसेस को सिलेक्ट करना है। ओके जी, ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एन प्रेस करना है, यहाँ पर एक्टिव में जाना है, और यहाँ पर हमारे पास एक एड ऑन है लूप टूल, तो आपने लूप टूल को भी क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने सर्कल पे क्लिक कर देना, तो ये क्या करेगा कि इन फेसेस को एक सर्कल में कन्वर्ट कर देगा। इसको आपने लूप टूल को पहले इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के लिए आप क्या करेंगे कि एडिट में आएंगे, उसके बाद प्रेफरेंसेस, उसके बाद आप एडोन्स में जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे लूप टूल, तो आप उसको इनेबल कर देंगे वहां से। ओके जी, उसके बाद मैं ई प्रेस करता हूँ इसको एक्सट्रूड करने के लिए, और यहाँ पर अंदर की तरफ हम इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एंड जी टू ग्रैब, इसको कलर में कुछ डार्क कर देता हूँ। ओके जी, आई थिंक ये जो हमारी एक बेसिक शेप है वो रेडी है। मैं एल प्रेस करता हूँ इसको सेलेक्ट करने के लिए, शिफ्ट डी प्रेस करके इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, इसको मूव कर देते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। ओके, आर टू रोटेट अलोंग जी एक्सिस 180 डिग्री। ओके जी, आई थिंक ये ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन फेसेस को सिलेक्ट करना है दो फेसेस को, और उसके बाद शिफ्ट कंट्रोल और प्लस नंबर पैड पर अपने सिलेक्शन प्रेस करते जाना है। ओके जी, उसके बाद सेम उसी तरीके से यहाँ पर हमने सब डिवाइड कर लेना दो बार, और यहाँ पर आपने इन चार फेसेस को सिलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस करके। ओके जी, ये सिलेक्ट हो गए। उसके बाद एन प्रेस करना है यहाँ पर लूप टूल और सर्कल। ओके जी, बी प्रेस करके मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ, फिर यहाँ पर हम इसको मूव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है कि कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर मैं दो लूप प्रेस कर लेता हूँ, कंट्रोल आर। ओके जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि थ्री फॉर फेसरेशन आर्ट प्रेस करके यहाँ पे आपने इन फेसेस को सिलेक्ट करना है शिफ्ट आर्ट, उसके बाद शिफ्ट आर्ट। ओके जी, उसके बाद आपने आर्ट ई प्रेस करना है, और यहाँ पर एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स इनको आपने थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना, आई थिंक इतना ठीक है। कंट्रोल आर, यहाँ पर दोबारा आपने दो लूप कट कर लेनी है, कंट्रोल आर। स्क्रॉल व्हील को आपने यूज करना अगर आपने अपने लूप कट्स को इंक्रीज करना है, कंट्रोल आर, और उसके बाद आपने राइट क्लिक कर देना, तो ये सेंटर में उन लूप्स को प्लेस कर देता है। कंट्रोल आर। यहाँ पर भी हम दो लूप कट्स कर लेते हैं, सॉरी कंट्रोल आर। ओके जी, थ्री फॉर फेसरेशन आर्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर इन फेसेस को सिलेक्ट करना। ओके जी, उसके बाद आर्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स उसको आपने थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेना अंदर की तरफ। ओके जी, ये हमारे व्हील्स रेडी हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमने एक नया ऑब्जेक्ट बनाना है, उससे पहले मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके आपने इन फेसेस को सिलेक्ट करना है, उसके बाद शिफ्ट एस और यहाँ पर कर्सर को सिलेक्ट करके कर्सर को आपने यहाँ पर ले आना, शिफ्ट ए से मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ यहाँ पर यूवी स्फीयर। एस टू स्केल, इसको स्केल कर लेते हैं। अगेन एस टू स्केल,
स्क्रू स्केल, ओके जी, जी एंड जी टू ग्रैब अलोंग जी एक्स, इसको मूव करके मैं नीचे ले आता हूँ। आपने ए प्रेस करना है पैलेट पे, एस टू स्केल, और उसके बाद आपने जीरो प्रेस कर देना है और इंटर। और यहाँ पर हमने जी प्रेस करके इसको ग्रैब कर लेना है, जो सा कलर हमने देना है हमें चाहिए वो हम इजीली कर सकते हैं। मैं वन प्रेस करता हूँ नंबर पैड पर फ्रंट व्यू के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि ऑल्ट जी प्रेस करना है वेयर फ्रेम मोड में जाने के लिए, और यहाँ पर आपने इन फेसेस को सिलेक्ट कर लेना है। ओके जी, ये टॉप के फेसेस जो है वो हमने सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, बल्कि यहाँ पर मैं इन फेसेस को सिलेक्ट करता हूँ। ओके जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि सी प्रेस करना है सर्कल सिलेक्शन के लिए, और शिफ्ट प्रेस करके आपने रखना है और यहाँ पर इन फेसेस को डिसलेक्ट कर लेना है। ओके जी, अब आपने क्या करना है कि डिलीट प्रेस करना है और डिलीट फेसेस, इन फेसेस को डिलीट कर देना है। यहाँ से मैं बैक फेस कलर को इनेबल कर देता हूँ। ओके जी, ये डिलीट हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि थ्री साइड व्यू, और यहाँ पर इन फेसेस को मैं शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आप यहाँ पर कोई भी फेस सेलेक्ट करते जाएंगे, कोई भी अगर हमें शेप देनी है। ओके जी, ये फेस हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आई प्रेस करना है इसको इंजर्ट करने के लिए। आप दोबारा आई प्रेस करेंगे टू इंजर्ट इंडिविजुअल फेस, उसके बाद आप डिलीट प्रेस कर देंगे और इन फेसेस को आप डिलीट कर देंगे। एल फॉर सिलेक्शन, फॉर ऑल्ट ई एक्सट्रूड नाउ नॉर्मल्स, इनको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं, आई थिंक ये इतना काफ़ी है। एल फॉर सिलेक्शन, वन फॉर फ्रंट व्यू, उसके बाद जी एंड सी टू ग्रैब डाउन सी एक्सेस, इसको आपने मूव करके ले जाना ऊपर। G and C. ओके जी, आई थिंक ये ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि वन सॉरी थ्री फॉर साइड व्यू, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, इसको मूव करके ले इधर। ऑल्ट जी आप प्रेस कर देंगे वायर फ्रेम मोड में जाने के लिए, इसको सेंटर में ले। ओके, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, इसको मूव करके आप यहाँ पे लेंगे। शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, आप शिफ्ट डी प्रेस करते जाएंगे उनको मूव कर देंगे यहाँ पर। ओके जी, मैं आर्ट जी प्रेस करता हूँ वायरफ्रेम मोड से बाहर जाने के लिए। ओके, आई थिंक ये ठीक है। अगर आप इनकी पोजीशन सेट नहीं हुई तो आप दोबारा से जी प्रेस करके इनको ग्रैब कर सकते हैं इजीली, अगर आपने ऊपर नीचे करना है तो। यहाँ पर मैं इनको कलर चेंज कर देता हूँ, एल प्रेस करके जी टू ग्रैब, और यहाँ पर कोई भी हम कलर देते जाएंगे। अगेन एल जी टू ग्रैब, इसको मैं ऐड कर देता हूँ। ओके जी, आई थिंक ये कलर्स ठीक है हमारे पास, ये व्हील हमारा रेडी है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इसका एक स्टैंड बनाना है। यहाँ पर मैं तीन प्रेस करता हूँ साइड व्यू के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर मैं स्पेस को सेट करता हूँ, शिफ्ट सेलेक्ट, शिफ्ट एस, और यहाँ शिफ्ट एस, और यहाँ पर कर्सर टू सेलेक्टेड। उसके बाद शिफ्ट ए प्रेस करके यहाँ पर मैं एक नया ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, प्लेन, और टू टेड लॉन्ग वाई एक्सेस 90 डिग्री, ए एस 0, जी टू ग्रैब, इसे कलर में कर देता हूँ कुछ डार्क। ओके, जिसके बाद आपने क्या करना है कि थ्री फॉर साइड व्यू, इसको मूव करके ले आना नीचे, एस जी उसके लिए लॉन्ग सी एक्सेस, इसको जी नीचे मूव कर लेता हूँ। ओके जी, एस एंड वाई टू स्केल लॉन्ग वाई एक्सेस, तो अब मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ एक लूप पर करने के लिए, इसको नीचे मूव कर लेते हैं आई थिंक यहाँ पर इतना ठीक है। उसके बाद कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर आपने मल्टीपल लूप प्रेस कर लेनी है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर प्रोपोर्शनल एडिटिंग को इनेबल करना है, तो यहाँ पर कनेक्टेड ओनली इस पर क्लिक कर देना है। मैं इस एज को मैं सेट करता हूँ एंड एस टू स्केल, इसको स्केल कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर शॉर्ट पे क्लिक करना है, इस एज को सेट करना है एंड एस टू स्केल। ओके, कंट्रोल और यहाँ पर दो लुकर्स मैं कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल और, ओके आई थिंक तीन लुकर्स ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस एज को सेट करना है एंड जी टू ग्रैब अलोंग सी एक्सिस,
जी एंड सी, और सर्कल को मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, इसे थोड़ा सा हम राउंड शेप दे देते हैं। ओके जी, ठीक हो गया। थ्री फॉर फेस सिलेक्शन। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर इन फेसेस को सेट करना है, शिफ्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर इनको सेट करते जाना है, और उसके बाद डिलीट की प्रेस करनी है, यहाँ पर इन फेसेस को डिलीट कर देना है। एल फॉर सिलेक्शन एंड ई टू एक्सट्रूड, इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं। एल फॉर सिलेक्शन इसको मूव करके मैं देता हूँ यहाँ पर। प्रोपोर्शनल एडिटिंग को मैं डिसेबल कर देता हूँ, थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं। ओके जी, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, इसको आपने मूव करके लिया ना यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर मैं कंट्रोल और प्रेस करके दो लूप प्रेस कर लेता हूँ। थ्री फॉर फेस सिलेक्शन, ऑल्ट प्रेस करके आपने इसको सेलेक्ट करना है इस लूपर को। कंट्रोल पी प्रेस करना है अपने इन एजेस को पैवल करने के लिए, और यहाँ पर इनको मैं हल्का सा पैवल कर लेता हूँ। ओके, ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, इनको आपने एक्सट्रूड कर लेना है। जी टू क्रैप कलर में देता हूँ कुछ डार्क। ओके जी, उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट, शिफ्ट कंट्रोल सेलेक्ट, शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, सॉरी शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, उसके बाद शिफ्ट ए, और यहाँ से हमें चाहिए क्यू। ओके, इसको मैं स्केल कर देता हूँ एस एंड जी, एस एंड जी, एस एंड जी, एस एंड वाई, थोड़ा सा लॉन्ग वाई एक्सिस स्केल कर देते हैं इसे। एस एंड सी, ए एस एंड जीरो, जी टू ग्रैब, इसे कलर हम करते हैं कुछ इस तरह का। ओके, इसके बाद आपने क्या करना है कि कंट्रोल आर प्रेस करना है, एक यहाँ पर लूप कट, कंट्रोल आर दो लूप कट्स यहाँ पे, शिफ्ट प्रेस करके इन एजेस को सेलेक्ट करना है, इनको मूव कर लेना नीचे। ओके, थ्री फॉर फेस सिलेक्शन, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, एस टू स्केल, अगेन एस टू स्केल, एस एंड एक्स, इसको मूव करते हम लेते हैं यहाँ पर, एस टू स्केल एंड डी टू एक्सट्रूड, अगेन डी टू एक्सट्रूड, एस एंड वाई, डी टू एक्सट्रूड, एस एंड वाई, कंट्रोल प्लस एस एंड वाई, इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं। ओके जी, एल फॉर सेक्शन, एस एंड सी टू स्केल डाउन सी एक्स, इसको मैं मूव कर देता हूँ यहाँ पे, एस शिफ्ट सी। ओके, आई थिंक ये ठीक है, इसको हम यहाँ पे मूव कर लेते हैं। शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट एंड वाई टू ग्रैब अलोंग वाई एक्स, शिफ्ट और शिफ्ट और शिफ्ट और शिफ्ट और एंड शिफ्ट और, उसके बाद आपने क्या करना है कि एल प्रेस करके यहाँ पर इनको सेट करना, इसको मैं मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा अंदर की तरफ, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, और उसको हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर एल फॉर सिलेक्शन, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, आर टू रोटेट इट डाउन जी एक्सिस 90 डिग्री, उसको आपने मूव कर लेना है यहाँ पर, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट एंड शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट। ओके जी, ये ठीक हो गया। शिफ्ट डी, एस टू स्केल, एस एंड एक्स, एस टू स्केल, इसको हम यहाँ पर मूव कर लेते हैं। डी टू एक्सट्रूड, एल फॉर सिलेक्शन एंड जी टू ग्रैब, इसे कलर कर लेते हैं हम डार्क। कंट्रोल आर प्रेस करके यहाँ पर लुक प्रेस कर लेता हूँ मैं कुछ, कंट्रोल पी इसको बेवल करने के लिए, एंड ऑल्ट ई एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल, इनको हम थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। ओके, जिसको आपने क्या करना है, कंट्रोल आर एक लूप पर करनी है यहाँ पे, कंट्रोल आर एक लूप पर हमें यहाँ पर करनी है, कंट्रोल आर एंड कंट्रोल आर। थ्री फॉर फेसेशन, इन फेसेस को सेलेक्ट करना है एंड ई टू एक्सट्रूड, इसको थोड़ा सा नीचे लेते हैं, आई थिंक इतना ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शिफ्ट एस कर्सर टू सेलेक्टेड, शिफ्ट ए, और यहाँ पर हमें चाहिए प्लेन ए एस जीरो, जी टू ग्रैब, इसे मैं कलर कर देता हूँ वही डार्क, एस टू स्केल, इसे स्केल कर लेते हैं, कंट्रोल आर से लूप कट, इसको मूव कर लेता हूँ ऊपर, एल फॉर सिलेक्शन एंड ई टू एक्सट्रूड, अगेन एल फॉर सिलेक्शन, इसको आप नीचे लगाएंगे यहाँ पे। ओके, थ्री फॉर फेसिलेशन, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर इसको एल प्रेस करके सेलेक्ट करना है, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, इसको यहाँ पे ले आना, एस एंड जी टू स्केल डाउन जी एक्सिस, एस एंड वाई, इसको ले लेते हैं ऊपर,
पहले पर सिलेक्शन एस एंड वाई, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, इसको नीचे मूव कर लेते हैं थोड़ा सा, तो शिफ्ट डी डुप्लीकेट, उसको मूव करके हमें लेना है यहाँ पे अगेन शिफ्ट डी डुप्लीकेट, और उसको मूव करके ले जाते हैं हम, उसको मैं नीचे मूव कर देता हूँ। ओके एल फॉर सिलेक्शन, एल फॉर सिलेक्शन ए जी टू ग्रैब, उसको कलर कर देते हैं हम टॉर्क, कंट्रोल जी, इसे हम जी टॉर्क कर देता हूँ। ओके जी ये ठीक हो गया। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर शिफ्ट प्रेस करके इन फेसेस को सिलेक्ट करना है, शिफ्ट एस प्रेसर को सिलेक्टेड, और यहाँ से शिफ्ट ए, मुझे एक नया ऑब्जेक्ट चाहिए टॉरस, इसको मैं रोटेट कर लेता हूँ, आर टू रोटेट लॉन्ग वाई एक्सिस 90 डिग्री, इसको मूव करके ले लेते हैं हम यहाँ पे, एस टू स्केल, अगेन एस टू स्केल। उसके बाद आपने क्या करना है कि थ्री फॉर साइड व्यू ऑल्ट जी प्रेस करना है, उसके बाद यहाँ पर आपने हाफ फेसेस को सिलेक्ट करना है, उसको मूव कर लेना है। ओके आई थिंक ये ठीक है। ऑल्ट जी, एल फॉर सिलेक्शन ए एस जीरो एंड जी टू ग्रैब, और यहाँ पर कलर मैं इसे कर देता हूँ कुछ, ये आई थिंक ये ठीक है। एल फॉर सिलेक्शन एस टू स्केल, इसको मूव करके ले लेते हैं हम यहाँ पे, एस टू स्केल, आई थिंक एस टू स्केल इतना काफी है। ओके जी इसको रोटेट कर, रोटेट करने की वजह बोलते रोटेट इसे नहीं करते, इसको ऐसे रहने देते हैं, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, इसको यहाँ पे मूव करते हैं, इसको हम रोटेट कर लेते हैं अलोंग वाई एक्सिस 90 डिग्री। ओके जी एल फॉर सिलेक्शन, सॉरी एल फॉर सिलेक्शन, इसको मूव कर लेता हूँ थोड़ा सा आगे, एल फॉर सिलेक्शन शिफ्ट डी डुप्लीकेट, इसको मूव कर लेते हैं यहाँ पे, शिफ्ट डी डुप्लीकेट, इसको यहाँ पे मूव कर लेते हैं शिफ्ट डी, और आप वाई प्रेस करेंगे, इसको ग्रैब करके लेंगे यहाँ पर, उसके बाद आप शिफ्ट आर प्रेस करते जाएंगे, शिफ्ट यहाँ पर मैं इसे कॉपी करता हूँ, एल फॉर सिलेक्शन शिफ्ट डी डुप्लीकेट, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही चाहिए, एल फॉर सिलेक्शन शिफ्ट डी डुप्लीकेट, और इसको मैं क्लियर करता हूँ यहाँ पर। ओके जी ये ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर एल प्रेस करके इसको सिलेक्ट करना है समोथ, सॉरी इसको मैं डिसेबल करता हूँ, एल फॉर सिलेक्शन जी टू ग्रैब एंड जी टू ग्रैब लॉन्ग जी एक्स, सर्कल को मैं इंक्रीज करता हूँ थोड़ा सा, इसे ग्रैब करके लेते हैं नीचे, अगेन एल फॉर सिलेक्शन जी एंड जी टू ग्रैब लॉन्ग जी एक्स, ये थोड़ा सा फेस खराब हो रहा है तो आपने इस बात का ख्याल करना है कि ये फेस आपके ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, एल फॉर सिलेक्शन जी एंड सी, इसको भी थोड़ा सा आपने नीचे मूव कर लेना। ओके जी आई थिंक ये हमारी शेप भी ठीक है और इतना फेसेस वगैरह भी खराब नहीं होगा। अब आपने क्या करना है, आर्ट जी वन फॉर फ्रंट व्यू नंबर पैड पर इन फेसेस को आपने सेलेक्ट करना है, अगेन आर्ट जी, उसके बाद यहाँ पर एल प्रेस करना है थ्री फॉर फेस सिलेक्शन, एल फॉर सिलेक्शन एल एंड एल फॉर सिलेक्शन, इसको मैं डिसेबल करता हूँ, शिफ्ट डी टू डुप्लीकेट, उसको मूव करके लेता हूँ यहाँ पे। ओके लेआउट में हम आ जाते हैं, यहाँ पर मैं टेक्सचर अप्लाई करता हूँ। ओके आई थिंक ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके जी बस आज की वीडियो यहीं तक ही थी, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आप मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे, और मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।